पकड़े जाने की गुंजाइश कम होती है। और बहुत सारी चीजें बोली जा चुकी हैं, तो बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन यही मैं सोच रहा हूं कि क्या वाकई बोले जाने की जरूरत नहीं है, या बहुत सारी चीजें बची ही इसलिए है क्योंकि कुछ लोग हमारे पीछे बोलते रहे। मैं जब आ रहा था तो आपका कॉलेज देख रहा था और मुझे बड़ा अच्छा लगा, साफ सुथरा, चमकता हुआ, शानदार ऑडिटोरियम, एयर कंडीशन लगा हुआ, बढ़िया बैठने का इंतजाम। और मेरे दिमाग में एक बात घूम रही थी कि क्या आज से साल भर बाद या दो साल बाद या पांच साल बाद जब मेरा कभी इधर आना होगा तो ये ऐसा ही रहेगा, या बाहर किसी अशोका यूनिवर्सिटी, किसी गलगोटिया, किसी अमिटी का बोर्ड लग गया होगा और हम सब ज्यादा चमकदार कपड़ों में होंगे, ज्यादा बढ़िया एक फीता लटकाए हुए, ज्यादा साफ सुथरे माहौल में, लेकिन भीतर से खोखले हो चुके होंगे। मेरे दोस्त, बहुत सारी बातें कही जा चुकी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमको बेचे जाने की तैयारी है। और जब मैं कह रहा हूं कि हमको बेचे जाने की तैयारी है, इसका मतलब हमारे दिमाग को बेचे जाने की तैयारी है, और चूंकि हमारे दिमाग को बेचे जाने की तैयारी है, इसका मतलब है कि इस कॉलेज के बाहर कोई खरीदार बैठा हुआ है हमारा। सवाल यह है कि क्या सामाजिक न्याय पर बात करते हुए हम यह जिद पाल सकते हैं कि हम अपनी चीजों को बचा लेंगे? और अगर यह जिद नहीं पाल सकते तो फिर हमारा आपका बैठना, हमारा बोलना, आपका सुनना सब बेकार की बातें हैं। आपको पता है 2014-15 में इस देश में 276 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज थे, 276, वो हो गई 405, बल्कि 413। 170 ऐसी हैं जिनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गया है, वो किसी दिन खुल जाएगी नोएडा के किसी सेक्टर में या ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में, जहां नॉलेज नाम की कोई चीज नहीं होती। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अब देखिए कि 276 से 413, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई 43 से 48, 5 पढ़ी है। 200 प्राइवेट यूनिवर्सिटी पढ़ी है और 5 सेंट्रल यूनिवर्सिटी पढ़ी है। स्टेट यूनिवर्सिटी हुई है 329 से 386, 65-70। यही हाल डीम्ड यूनिवर्सिटी का 32 से 36। तो सवाल यह है कि जब हम इस बात, ये तो देखिए अंबेडकराइट मूवमेंट को सबसे ज्यादा उन लोगों ने ठगा है जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की मूर्तियों पर सबसे लंबी माला पहनाई है, और हमको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़े फिर कोई बात हो सकती है। तो पहले तो हमारी दिमागी तैयारी है कि नहीं बाबा साहब पर बात करने की। और प्रोफेसर अभय कुमार दुबे कहकर गए कि एक क्रिटिकल व्यू था तो बाबा साहब के पास, उन्होंने फुले तक को क्रिटिसाइज किया सटल तरीके से। हम क्या अपने ही आसपास के लोगों को क्रिटिसाइज करने की स्थिति में है? हमारी दिमागी हालत यह है कि हम अपने सो कॉल्ड पॉलिटिकल आइकॉन्स को क्रिटिसाइज करें कि आपने हमको ठगा है, हम ये बात कह सके? या फिर हम उनके खत्ते में, उनके दुकानों में जाकर बैठ गए हैं और अपने आप को हमने उनका भांड बना लिया है। आपको पता है, एक बड़ी सीधी सी घटना बताता हूं, और आपको हो सकता है कि अच्छा भी लगे, हो सकता है बड़ी तकलीफ हो। जब उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, मैं एक स्पेस प्रोग्राम में था, और जब मैंने वहां का वो इस बात पर प्रोग्राम था कि क्या मायावती के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस हैं, तो मैंने कहा कि देखिए ये विषय ही गड़बड़ है। इस ये विषय ये होना चाहिए कि क्या मायावती मुख्यमंत्री बनना चाहती है? जब वो बनना ही नहीं चाहती है तो उनको कोई दूसरा कैसे बना सकता है? तो ऐसे कोई चांसेस नहीं है। इसके बाद बीएसपी की पूरी ट्रोल आर्मी मेरे पीछे पड़ गई कि ये नवीन कुमार पांडे है, ये बुद्धू है, ये ऐसा है, वो वैसा है। हमने पता नहीं जुबान पर क्या था, हमने कहा कि 4 सीटें भी आएंगी तो ज्यादा हो जाएगा, 1 सीट आई, 1 सीट। ये सारे तब उस दिन मुझे पता चला कि जिस तरीके से बीजेपी की ट्रोल आर्मी है उस तरीके से बीएसपी की भी ट्रोल आर्मी। तो आप अंबेडकराइट मूवमेंट के साथ साथ ट्रोल आर्मी को नहीं चला सकते। ट्रोल आर्मी में बदल जाना ही अंबेडकराइट मूवमेंट की मौत है। तो
करता हूं एजुकेशन सिस्टम पर, क्योंकि बाबा साहब का पूरा जोर ही एजुकेशन पर था। वो आखिरी समय तक पढ़ ही रहे थे और लिख रहे थे, वो जब बोर होते थे तो पढ़ाई करते थे। तो हम लोग ये सोचिए कि क्या आप मैं नहीं जानता आप लोगों में से कितनों की माली हालत क्या है। मैं BHU से पढ़ाऊं, मेरी 32 रुपए की फीस थी उस जमाने में, और 16 रुपए की आधी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते थे कि 16 रुपए वापस मिल जाए। वो 16 रुपए का चेक मिलता था, 16 रुपए हम जाकर जमा करते थे स्टेट बैंक में, 3 दिन के बाद आता था, और फिर हम बैंक मैनेजर के पास चले जाते थे कि 16 रुपए दे दीजिए, और मैनेजर कहता था कि 16 नहीं, कम से कम 50 निकलेगा। तो हम लोग उसमें जाकर 34 रुपए जमा करते थे और 50 रुपए निकाल लेते थे। ये देश ऐसा है, हम लोग किस दुनिया में जी रहे हैं? हमारी हुकूमत बता रही है कि JNU में पढ़ोगे तो फीस नहीं भरोगे, पैसा नहीं दोगे। आप में से कितने लोग अशोका यूनिवर्सिटी में पता है BA करने की फीस 30 लाख रुपए है? कितने लोग कर लेंगे इस देश में? और जिनके 2 बच्चे होंगे, 3 बच्चे, 1 बच्चा होगा तो शायद घर मकान दुकान बेच के पढ़ा भी लेगा। लेकिन अगर 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं तो पढ़ ही नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि हमको अनपढ़ बनाने की तैयारी है। यह प्राइवेटाइजेशन का जोर किस लिए है? यह प्राइवेटाइजेशन का जोर इसलिए है कि इस देश में मुफ्त में काम करने वाला ड्राइवर चाहिए, इस देश में हजाम जो है वो बाल काटता हुआ मिलना चाहिए, इस देश में मोची चौराहे पर मिलना चाहिए, इस देश में मेहतर गगर में मिलना चाहिए। इसलिए इस देश के एजुकेशन सिस्टम को खत्म करने की तैयारी हो रही है। हम और आप रेत में गर्दन छुपाकर बैठे रहेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है। आपको पता है 1975-76 के बाद इस देश में कोई छात्र आंदोलन नहीं हुआ है। यह कमाल की बात है, पूरा देश बेच दिया गया, नीलाम पर चढ़ा दिया गया, कोई स्टूडेंट मूवमेंट नहीं खड़ा होता। हम यहां बैठकर अंबेडकर राइट मूवमेंट की बात कर रहे हैं, अंबेडकर की बात कर रहे हैं, बाबा साहब ज्योतिबा फुले की बात कर रहे हैं, हम कितनी खोखली बातें कर रहे हैं। हम अपने आप को ठग रहे हैं साहब, हम चौराहों पर आने को राजी नहीं है, हम सरकार से सवाल पूछने को राजी नहीं है। क्यों? क्योंकि चौराहों पर लाठियां पड़ेंगी, तो लाठियों से डर के तो मुल्क नहीं बदल सकता और आपका हिस्सा भी नहीं मिलेगा। इस बात को लिख लीजिए। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एयर कंडीशन कमरे में बैठे हुए हैं और बाहर आपकी यूनिवर्सिटी आपके कॉलेज को बचाने की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, तो आप यकीन मानिए अगला नंबर आपका है। हम सब लोग एक खोखले तरीके से हर मूवमेंट को सवाल, केवल अंबेडकर आई मूवमेंट का नहीं है बात, सवाल है कि हम अपने आप से नजर मिलाकर लोगों से, हम क्या है संवाद, क्या है संवाद होगा तो विवाद भी। मैं तो खुश हूं कि कम से कम यहां आपने बुलाया और हमको पुलिस वाले ने नहीं रोका। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कार्यक्रम में रोक लिया गया एक मेंबर पार्लियामेंट को, लेडी श्रीराम कॉलेज में रोक लिया गया स्पीकर्स को। तो मैं तो आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने बुलाया और प्रोग्राम करवा लिया। पता नहीं अगली बार बुलाएंगे तो मैं आ पाऊंगा या नहीं, और अगली बार बुलाएंगे तो आप बुला पाएंगे या नहीं। हम एक खतरनाक माहौल में रह रहे हैं, हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहां जुबान छीनी जा रही है, और जुबान छीनी जा रही है जब मैं कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को खत्म करने की चाल चली जा रही है इस देश में। अगर किसी को, अगर रूलिंग क्लास को, अगर रूलिंग इलीट को, अगर कास्टिस्ट लोगों को किसी एक आदमी से सबसे ज्यादा डर लगता है तो वो भीमराव अंबेडकर से लगता है। वो डरते हैं इसलिए वो मूर्तियां तोड़ देते हैं, इसलिए वो उनके बोलने वालों को इकट्ठा नहीं होने देना चाहते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि हम सब बात न करें। सवाल है कि मैं अभी देखता हूं नोएडा में एक प्रेरणा स्थल है, मायावती जी ने बहुत अच्छा बनाया है, वहां हजारों की भीड़ 4 दिन पहले लगी हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, लेकिन आप एक मूवमेंट खड़ा करिए, आप बात करिए कुछ। हमको बिग पिक्चर्स पर बात करनी पड़ेगी। हम अगर बड़े सवालों पर बात नहीं करेंगे तो इसका मतलब यह है कि हम चीजों को फेस नहीं करना चाहते। मुझे एक बात बताइए, मैं आजकल बहुत सुनता हूं, मैं मीडिया का आदमी हूं तो बहुत सुनता हूं कि मीडिया जो है ना वो बिक गया है, वो तो बात ही नहीं करेगा अखिलेश जी की, वो बात ही नहीं करेगा मायावती की, वो बात ही नहीं करेगा दलितों की। आपको पता है रायबरेली में एक बच्चे से, एक पासवान लड़के से, एक राज
राजपूत आदमी ने अपना पैर चटवाया है, पैर, उसका वीडियो है, वीडियो, उसको साइकिल के चेन से पीटा है। आप मजाक देखिए साहब, कि एक तो वो नहीं है, खबर कहीं नहीं है, हमने चार दिन पहले डाला तो FIR हुई, तो मेरी दिलचस्पी थी कि FIR में लिखा क्या है उसको पढ़े। आपको हैरानी हो, FIR में एक मौर्या लड़के को फंसाया गया है, क्यों? उस पर आरोप यह है कि वो उस पासवान लड़के को पकड़ कर ले गया और उसने जाकर उन राजपूतों के सामने परोस दिया, उन लोगों से पिटवाया। जिसने पीटा, जिसने अपना पैर चटवाया, उसका FIR में ही नाम नहीं है। तो मैंने गौर किया, मेरी अचानक से मैंने सोचा कि देखें थानेदार कौन है, थानेदार राजपूत है, वहां की विधायक कौन है, अदिति सिंह राजपूत, मुख्यमंत्री कौन है, राजपूत। आप न्याय की बात करते हैं, आप बुलडोजर की बात करते हैं, आप कैसी बातें करते हैं और किन लोगों के लिए करते हैं, और यह खबर कहीं नहीं है। तो जो मैं बात कह रहा था कि यह खबर क्यों कहीं नहीं है, तो मेरा सवाल आपसे है कि आप इसको कहां देखना चाहते हैं? आप क्या इसको रिपब्लिक टीवी पर देखना चाहते हैं? क्या आप इसको जी न्यूज पर देखना चाहते हैं? क्या आप आज तक पर देखना चाहते हैं? क्या आप ABP पर देखना चाहते हैं, जो मनोज मुंतशिर को लेकर बैठा हुआ है? और मेरा सवाल जब यह है, और अगर आपका जवाब हां है तो मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, और अगर आपका जवाब ना है तो फिर इससे आगे की बात हो सकती है। सवाल है कि आप सोचो कि तैयारी क्या है। इस देश में RSS नाम के ऑर्गेनाइजेशन ने, या हम कहें राइट विंग ने, आज से 50 साल पहले अपनी तैयारी शुरू की, अपनी हर मैगजीन को। अभी लक्ष्मण कह रहे थे कि बाबा साहब ने 5 पत्रिकाएं निकाली, वो 5 पत्रिकाएं कहां है साहब, कहां है? चलवा लेती मायावती फिर से, बिहार में सरकार रही 15 साल तक, अभी भी है सो कॉल्ड बहुजन की, तो निकाल लेते ना वो, कहां है, किसने मना कर दिया, निकाल लेते ना। या उत्तर प्रदेश में आज से 5 साल पहले तक उन्हीं की सरकार थी, 20 साल तक लगभग भारतीय जनता पार्टी के भी राजनाथ सिंह को छोड़कर बहुजन मुख्यमंत्री थे, तो नहीं निकलता है, तो क्यों नहीं निकलता है? तो आप अपना ढांचा कुछ खड़ा करेंगे नहीं, और आप उम्मीद लगाएंगे, हम कितने इनोसेंट लोग हैं, मासूम प्रचंड, कि हमने कुछ खड़ा नहीं किया। और अरे भाई, हमारी हालत पता है कैसे, हमारी हालत ऐसी है कि 5-स्टार होटल के बाहर जाकर हम खड़े हैं और सोच रहे हैं कि हमको खाना मिलना चाहिए, क्यों? क्योंकि राइट टू फूड है। अरे भाई, राइट टू फूड है, 5-स्टार होटल के बाहर खड़े हो जाओगे तुमको खाना मिलेगा। हमारा मीडिया 5-स्टार होटल है और हम फुटपाथ सड़क के लोग हैं, हम उससे उम्मीद नहीं लगा सकते। अगर हम उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हमको वहां से खाना मिलने वाला है, तो हम इडियट है, हम मूर्ख है, हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर बड़ी तस्वीर बनाना चाहते हैं हम और आप, बाहर बैठे हुए लोग, वो लोग जहां जो लोग आपसे मिलेंगे यहां से निकलने के बाद, वो लोग जो मुझसे मिलेंगे, अगर हम सब मिलकर कोई चीज खड़ी कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको एक ऐसी चीज खड़ी करनी पड़ेगी जहां हमारी आवाजों की अहमियत हो। हम कैसे बोलते हैं, हम कैसे सोचते हैं, हमारा पता है, इस देश में एक झूठ मैं बचपन से पढ़ रहा हूं कि यह देश एक है। पहले सुनता था ये 100 करोड़ लोगों का देश है, ये 125 करोड़ लोगों का देश हो गया, अब सुनता हूं 140 करोड़ लोगों का देश हो गया। अरे भाई, ये एक देश नहीं है, मेरा देश और आपका देश एक नहीं है। उस लड़का का जिसने जूता चाटा है उसका देश, और जिसने चटवाया है उसका देश अलग है। ये फर्जीवाड़ा है कि यह देश एक है, ये देश एक नहीं है। हमको इस देश में अपना हिस्सा चाहिए। और जब मैं हमको कह रहा हूं, तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप दलित हैं, अगड़े हैं, पिछड़े हैं, शूद्र हैं या बहुजन हैं। हमारे एस्पिरेशन का हिस्सा चाहिए, उस हिस्सेदारी की लड़ाई है, और यह लड़ाई मिलकर लड़नी पड़ेगी। आज आपको मजा आ रहा है, रिजर्वेशन खत्म हो रहा है और लगभग कर ही दिया गया। प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों लाई गई? क्योंकि आपको पढ़े लिखे पिछड़े दलित आदिवासी नहीं चाहिए,
वो गाड़ी चलाता हुआ चाहिए, वो जूता साफ करता हुआ चाहिए, वो गटर साफ करता हुआ चाहिए, उसकी औकात नहीं कि जाकर एमिटी के बाहर दाखिल हो जाए, एमिटी यूनिवर्सिटी के भीतर। हैसियत नहीं है, स्थिति नहीं है, पैसा होगा तो भी मानसिक स्थिति नहीं है बॉस। इस देश में आप जाकर मिलिए ब्यूरोक्रेट से, वो बताएंगे आपको कि उनके चपरासी उनको पानी नहीं पिलाते हैं क्योंकि वो दलित है। कहां रह रहे हैं हम लोग, किस दुनिया में रह रहे हैं? हम बात करने को राजी हैं क्या? तो हमको सोचना पड़ेगा, आज नहीं सोचेंगे तो कल सोचेंगे, जब आपका कॉलेज, आपका एजुकेशन, आपकी समझदारी, आपका दिमाग भी नीलाम हो जाएगा। आपको पता है आप लोगों ने बर्गर खाया है? बर्गर मैकडोनल्ड का बर्गर बहुत सस्ता होता है, 20 रुपए। आपको पता है आप यहां सरोजनी नगर की दुकान में बर्गर खा लीजिए या न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर का बर्गर खा लीजिए, वो एक स्वाद होता है, एक टेस्ट। उसी तरीके से बन पकाया जाता है, उतने ही टेम्परेचर पर आलू उबाला जाता है, वही मसाले उतने ही टेम्परेचर पर उतनी ही देर तक भुने जाते हैं, वही चटनी लगाई जाती है और वही आपको दिया जाता है। यही मैकडोनल्ड्स के बर्गर की खासियत है। हमको और आपको मैकडोनल्ड का बर्गर बनाने की कोशिश हो रही है। एक तरीके से सोचे देश, एक भाषा बोले, एक तरह का कपड़ा बोले, एक तरीके का उसका नेता हो, एक तरीके का उसका एस्पिरेशन, एक तरीके के उसके गीत और एक तरह का इतिहास। आदमी का बर्गर हो सकता है? और अगर हमने मान ही लिया है कि हमको बर्गर ही होना है तो हमको कोई बचा नहीं सकता। हम कोलैप्स होने के कगार पर है, हम खत्म होने वाले हैं, और हम अपनी अपनी धुन में मोबाइल रिचार्ज कराकर और चलते चले जा रहे हैं वीडियो देखते हुए। तमाशा है। लोग अक्सर पूछ रहे हैं कि लगता है कि ऐसे ही चलता रहेगा कम से कम अगले 10-12 साल तक। अभी एक बड़े नेता का बयान आया 3 दिन पहले कि 2040-45 तक पूरा ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका सब एक होने वाला है। हाँ, और कई बार आया है वो, ये सब एक हो जाएगा और हम लोग जो है गौरवशाली दौर में पहुंच जाएंगे। ईरानों में बहुत दिन से चल रहा है। हाँ, तो और कमाल की बात ये है कि इस पर डिबेट हो रही है, मतलब हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। मतलब हम मान कर बैठे तो हाँ ऐसा हो सकता है, टेलीविजन चैनल पर ही ये टैंकर बहस कर रहे हैं, मूर्ख। वो मतलब आप सोचो कि कोई आदमी कह रहा है कि हम ईरान को भारत बनाने वाले हैं और वो कह रहा है कि हाँ बन सकता है क्या, पूछ रहा है। अरे भाई कमाल की चीज है, इस देश के 18 करोड़ लोगों को क्रिमिनलाइज किया जा रहा है। आप सोचिए, आप खरगोन की तस्वीरें देखिए, आप गुजरात से आई हुई तस्वीरें देखिए, आप जाकर देखिए जहांगीरपुरी की तस्वीरें। तो मैं सोच रहा था 4 दिन पहले कि ऐसा क्यों हुआ, ये तस्वीरें अचानक से क्यों बढ़ी। तो ये तस्वीरें इसलिए बढ़ी कि आपको पता है इस सरकार के पास एक ही चीज दिखाने के लिए थी कि हमारा शेयर बाजार बहुत चमकता है, बहुत पैसा है, निवेशकों का विश्वास है। आपको पता है पिछले 6 महीने में उस शेयर बाजार से 1.5 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया है निवेशकों ने, FPI विदेशी निवेशकों ने। देश के लोगों पर तो भरोसा है नहीं सरकार को, विदेशियों पर भरोसा करें। तो जितने सकोरिये थे जिन्होंने डाउन मार्केट में पैसा लगाया और जब बाजार उछल गया तो उन्होंने धीरे से निकाल लिया, अब बाजार गिरा वो फिर आएंगे 1 महीने के बाद, याद रखिए। तो ये इसलिए भीड़ बढ़ी क्योंकि हुकूमत के पास आपके रोजगार का जवाब नहीं है, हुकूमत के पास 125 रुपए पेट्रोल का जवाब नहीं है, हुकूमत के पास 250 रुपए सरसों का तेल बेचने का जवाब नहीं है, हुकूमत के पास 1000 रुपए का गैस सिलेंडर बेचने का जवाब नहीं है, हुकूमत के पास 70 रुपए CNG बेचने का जवाब नहीं है। तो चूंकि कोई जवाब नहीं है और सवाल पूछेगा कौन, नौजवान, तो नौजवानों के हाथ में तलवार थमाओ और उनको बोलो कि 18 करोड़ लोग दुश्मन है। कमाल है इस देश के, सोचिए कि 125 करोड़ लोगों के दिमाग में यह समझा दिया गया है कि 18 करोड़ लोग तुमको खत्म कर देंगे और हम मानकर बैठ गए। तो मैं जो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि हमको अपनी बातचीत करने का कोई, और हमारे नेताओं को इस अंदाजा नहीं था कि यह खतरा कितना बड़ा हो जाएगा।
कोई हमारी बात करेगा नहीं, कोई हमारी बात सुनेगा नहीं। आप महंगाई के खिलाफ जंतर मंतर पर अलग अलग पार्टियां बड़े बड़े प्रदर्शन कर रही हैं, कहीं नजर नहीं आ रहा है। कौन दिखाएगा? आपने कुछ बनाया ही नहीं है, जिन्होंने बनाया है उनको दिखाया जा रहा है, वो बता रहे हैं कि अखंड भारत बनने वाला है। आप बैठकर बात करिए इस पर। आपको पता है जब मैं गया उत्तर प्रदेश के चुनाव में, तो मुझे एक किसान जो रात के 1:30 बजे गुड़ बना रहा था, मैंने उससे पूछा कि क्या है, मतलब किसको वोट करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं सब ठीक चल रहा है। तो हमने बोला नहीं कुछ दिक्कत है जिंदगी में? तो उसने कहा नहीं बिजली बड़ी महंगी हो गई। तो हमने बोला तो क्या सरकार वरकार बदलेंगे? बोला नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने पूछा क्यों नहीं बदलोगे? तो उसने कहा पाकिस्तान को ठीक कर दिया है। सोचो यार, हमारे बच्चों को पोलैंड जैसे वित्ते भर के देश में छठाक वित्ता नहीं छठाक भर कहना चाहिए, वीजा नहीं दिया 3 दिन तक। हमारे बड़े बड़े लोग जाकर घूमते रहे स्लोवाकिया पोलैंड और पता नहीं कहां कहां, और यहां क्या नैरेटिव सेट किया जा रहा था? तो हम और चमकाया क्या जा रहा है कि हमारे पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई है। पता नहीं आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है और कितने लोग विदेश गए और कितने लोगों ने यह महसूस किया है, मतलब पासपोर्ट की इज्जत बढ़ना तो ऐसा हुआ ना कि एयरपोर्ट से बाहर निकले और टैक्सी वाला खड़ा, आइए हुजूर आप भारत से आ रहे हैं, लीजिए कॉफी पीजिए, आपका पैसा नहीं, आपके पासपोर्ट की बड़ी इज्जत है। तो हम जहां जा रहे हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी को जब खत्म करने की बात आएगी तो हम और आप बचेंगे नहीं। और आएगी क्या, वो बात आ गई है तो बात लंबी खिंच रही है। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अभी भी चीजें बचाई जा सकती हैं, अभी भी समय है, अभी भी एक साथ आया जा सकता है। कुछ दिन पहले एक छोटी सी चीज जोड़ना चाहूंगा कि कुछ लोग बहुत इस बात से बहुत उत्साहित हो जाते हैं कि कोई दलित जो है वो सांसद बन गया या विधायक बन गया या कुछ और बन गया, राष्ट्रपति बन गया। हाँ, तो मुझे लगता है कि फिर तो इस देश में दलितों का राज है, इससे ज्यादा गौरवशाली समय आ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि तो सबसे ज्यादा दलित सांसद बीजेपी के, दलित राष्ट्रपति। हाँ, हो सकता है कि आने वाले दिनों में उपराष्ट्रपति भी किसी बहुजन को देख लें। तो क्या हम वाकई इसको गौरवशाली मानना शुरू कर दें? और अगर नहीं मानना शुरू कर रहे हैं तो फिर समझिए कि लड़ाई के मोर्चे क्या होंगे। हम लड़ाई के मोर्चे तय किए बिना युद्ध का हुंकार नहीं भर सकते, और ये करो या मरो का वक्त है। और कॉलेजेस पर, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने वालों पर, पढ़ने वालों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो आपको पता है प्रफुल्ल कुमार मोहंता हॉस्टल से निकलकर मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है इतिहास में। इंदिरा गांधी जैसी ताकतवर प्रधानमंत्री चुनाव हार गई थी। अभी आपने पंजाब में देखा है मुख्यमंत्री चुनाव दो दो जगह से हार गए, राज सिंह बादल हार गए, सुखबीर बादल हार गए, कुछ पता ही नहीं चला ये लोग कहां गए, खुदा थे ये लोग भगवान। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर लड़ाई के मोर्चे तय कर लेंगे तो हमको लड़ने में सहूलियत होगी। और आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, सुना और इतना प्यार दिया, इसके लिए आप सब लोगों का बहुत।